रब्बा किदी नजर लग गई सोने पंजाब नू। नित दिन आ की होई जांदा है, शरियाम हो रहे ने कतल, सहमे पए ने पंजाबी, कदों पंजाबी होण के सुरक्षित। जी हाँ, इस शब्दों ने सबनों हैरान करके रख दिता है, क्योंकि आए दिन पंजाब दे विच जिस तरह दियां वारदातां वापर रही ने, उन्हां वारदातां नूं मद्देनज़र पंजाब दे लोग सहमे पए ने, डरे पए ने। लोग तां छड्डो, हुण तां पुलिस मुलाजम भी पंजाब दे विच सुरक्षित नहीं जाप रहे, क्योंकि जेकर अज दे दिन दियां दो वड्डियां घटनावां दा जिक्र कीता जावे तां सुण तुसी भी हैरान रह जाओगे। एक जिथे तीरा कतल कीता गया ते दूजा पुलिस मुलाजम दे उत्ते ही गोलियां चला दित्तियां गईयां। बेहद हैरान कर देने वाले ये मामले ने। जेकर तीरे कतल मामले की गल की जाए तो शरेआम तरन तारण तो यह मामला सामने आया है, जिथों के पिंड तुंग विखे ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिता गया। सब तो ज़्यादा हैरानी वाली गल ए सी कि पति पत्नी अते भरजाई का कतल किया गया ते फिर उन्होंने मूँह जिहड़े है टेप दे नाल लपेट दिते गए। पहली नज़र दे विच शक नौकर दे उत्ते जा रहा सी, जो पिछले काफ़ी समय तो इन्हां दे कोल काम करता सी, पर जदों ओ नौकर सामने आया पुलिस ने जांच पड़ताल कीती तां ओ नौकर दा भी कहना सी कि उस नूं भी ओ हमलावर जिहड़े है अपने नाल लै गए सन। मौके दियां तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पर आखिरकार किसते वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, किहड़े मनसूबे सन कि अद्धी रात नूं घर दे विच दाखल हो के पति पत्नी ते भरजाई का कतल किया ते फिर वक्खो वक्ख कमरियां दे विच मृतक देहां रख के मूँह टेप दे नाल लपेट दिते गए। दरिंदगी दियां सारियां हद्दां इस कतल तो बाद पार हुंदियां होईयां विखाई दे रहियां ने। सीता पच्चीस साल तो जो भैया अजे मिल नहीं रहा, इन्हों अपना जीडिया डेड बॉडिया वो टेप ला के मूँह बन्नी, इन्होंने तबाहवा बनिया, तो जोड़ा भैया है वो इतों फरार है। इन्होंने अपना सवेरे इन्होंने रिश्तेदार आए कि गाइया चो उन्होंने तलाह दी एस एच ओ कोई भी एक तरह डेड बॉडिया पाइया इतने एस एच ओ साहब तो मैं मौके पर पहुंचे, बाकी हम छानबीन कर रहे हैं। कह लगता है कहदी वारदात तो होगी जी ये बारे अभी कर रहे हैं तफ्तीश की। किन्ने व्यक्ति ने जी जिन्हें मौत हुई? तीन जने। समान इन्हों के सारे जो अपना बैड तो खिलारा पाया, समान जो लैके गए सर एक व्यक्ति दो औरतां ने। हाँ जी। इसी तरह का ही एक दूजा मामला हैरान कर देने वाला मामला सी, जिहड़ा कि अमृतसर तो सामने आया, जिथे कि निशाना हमलावरां दे वल्लों आम लोगों नूं नहीं बल्कि सीधा पुलिस मुलाजम नूं निशाना बनाया गया। दरअसल अमृतसर काउंटर इंटैलीजेंस के इंस्पैक्टर के उत्ते गोलियां चलाईया गई। एक गोलियां भी उस वेले चलाईया गई जदों उस सवेरे सैर करन दे लई निकले हुए सन। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अमृतसर काउंटर इंटैलीजेंस के इंस्पैक्टर नूं सस्पेंड किया होया सी। हालांकि इस दे विच किन्नी क सच्चाई है पुलिस अधिकारियों के वलों जदों अधिकारिक जानकारी सांझी की जाएगी फिर ही पता लग सकेगा। हालांकि इस घटनाक्रम के विच बचाव ही उस इंस्पैक्टर का इस करके रह जाता है
क्योंकि जिस वेले वह सैर करन दे लई गया उस वेले उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पाई हुई सी, जिस करके इंस्पैक्टर प्रभजीत सिंह दा बच्चा हो गया। ता आए दिन इस तरह दियां वारदातां पंजाब दे विच वापर रहियां ने। इह सोहणे पंजाब नूं हुण किहदी नज़र लग गई है कि यह सब कुछ रंगले पंजाब दे विच वेखण नूं मिल रहा है। किते तीरा कतल ते किते पुलिस मुलाजम ते गोलियां चलाउणियां, ते गोलियां भी सवेर दे समय उस वेले चलाउणियां जदों उह सवेर दी सैर करन दे लई गए हुए सन। बहुत सारे सवाल पुलिस प्रशासन दे उत्ते भी खड़े हुंदे ने कि आखिरकार आए दिन इस तरह दियां वारदातां वापर रहियां ने, पर इह सब दे बावजूद प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी क्यों नहीं वरतदे, क्यों कुंभकरण की नींद पुलिस अते आला अधिकारी सुते पए ने। जेकर अज भी ना जागे तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों उदों जागांगे जदों साडे घर दे विच अग लगेगी। इस करके सानू सारियां नू सहिरद होण दी लोड़ है अते पंजाब दी हवा, पंजाब दा कानून व्यवस्था जो विगड़ रहा है इस नू लैके सानू पुलिस मुलाजमां नू सहयोग भी देना चाहिए है। ते पुलिस मुलाजमां दा भी कर्तव्य है कि उन्हां दी ड्यूटी पंजाब दे लोकां दी राखी करन दे लई लगाई गई है, ते उह भी अपनी नैतिकता दे आधार दे उत्ते अपना कर्तव्य समझते हुए पंजाब दे लोकां दी राखी करन, तां कि इस तरह दियां वारदातां सामने ना आ सकन। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाबी।